नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श प्रताप सिंह। आप सभी लोगों का मेरे राजेश स्टार्टेक 91 चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि एम एस वर्ड के किसी भी डॉक्यूमेंट में हम वाटरमार्क को कैसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एम एस वर्ड को ओपन कर लेंगे। एम एस वर्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पर तो ब्लैंक पेज दिया गया, इसमें वाटरमार्क यूज करेंगे। और कोई भी डॉक्यूमेंट अगर लिखा हुआ है तो उसमें कैसे वाटरमार्क यूज करेंगे, इस सब के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ब्लैंक पेज में वाटरमार्क यूज करके देख लेते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे कस्टम वाटरमार्क, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है नो वाटरमार्क, सेकंड ऑप्शन है पिक्चर वाटरमार्क, थर्ड ऑप्शन है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो हम नो वाटरमार्क कोई मतलब नहीं है, वो पिक्चर वाटरमार्क को यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद टेक्स्ट वाटरमार्क को यूज़ करते हैं। पिक्चर वाटरमार्क को जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट पिक्चर वाला ऑप्शन चालू हो जाएगा। इस पर क्लिक करके हम अपने क्या नाम है गैलरी से, अपने डेस्कटॉप से कहीं से कोई भी इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर हम एक इमेज इंसर्ट करा देते हैं और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि जब मैंने इमेज को इंसर्ट कराया इसमें तो कुछ इस प्रकार इंटरफेस आ गए मेरे सामने। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसमें मैं पानी पीता हुआ दिख रहा हूँ। तो चलिए अब इसके बाद हम टेक्स्ट वाटरमार्क को यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क पे जब आएंगे तो यहाँ पे लैंग्वेज ऑप्शन आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, फॉन्ट साइज, कलर, लेआउट, मतलब कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चेंज करना है। तो जैसे कि मैं चेंज कर रहा हूँ ये प्लस हाँ सही है, इसके बाद मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। हाँ, इसका मैं क्या नाम है एक काम करता हूँ, साइज और इसका मैं फॉन्ट भी चेंज कर लेता हूँ। जैसा कि मैंने फॉन्ट ये चेंज कर लिया, या फॉन्ट कुछ भी लगा सकते हैं हम, फॉन्ट को मैंने ये फॉन्ट जो भी मेरा मन कहेगा मैं वो फॉन्ट को यूज कर सकता हूँ, अपनी इच्छा अनुसार फॉन्ट को यूज कर सकते हैं। हाइट जो भी मेंटेन करना है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं, इसको अप्लाई करेंगे सीधा आ जाएगा। और डायंगल ये देखिए, इसको अप्लाई करेंगे तिरछे में आ जाएगा। तो इस प्रकार आप वाटरमार्क को यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या नाम है जो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है उस डॉक्यूमेंट में, मतलब ब्लैंक पेज था, डॉक्यूमेंट में कैसे करें प्रकार कर दिया है। तो इसमें भी सेम ऑप्शन आप कर सकते हैं, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। डॉक्यूमेंट इसमें ऐसे दिया गया है, यहाँ से हम वाटरमार्क जाके चेंज कर सकते हैं। हमें कोई मतलब 91 लिया है, हम इसको 91 को मिटा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए आपके सामने 91 हट चुका है। तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है या ब्लैंक पेज है तो भी आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।